नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरह से घर पे ही खाद बनाती हूँ। अभी चल रहा है मई का महीना, अगला महीना है जून, बारिश शुरू हो जाती है, तो मेरे पास अभी ये एक ही महीना है ज्यादा से ज्यादा खाद तैयार करने के लिए। तो मैं अभी कोशिश करूंगी कि ज्यादा खाद बना सकूं, पर लॉकडाउन चल रहा है, घर में सब्जियां कम है, थोड़े फल भी कम है, तो इसीलिए खाद की जो मात्रा है ना, किचन से निकलने वाले वेस्ट की जो मात्रा है वो बहुत कम है, पर मैं उस थोड़े थोड़े से को भी ना संभाल के रख रही हूँ। तो ये जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में घर से जो वेस्ट निकल रहा है ना, तो इस वेस्ट को यूज कर लें, फेंकी नहीं, बाहर जाके कुछ नहीं होना है, इधर उधर खराब होगा, घर में रहेगा तो मिट्टी को सेहतमंद बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया खाद में ढल जाएगा, और ढलना आपको है। तो फिर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से कंपोस्टिंग कर रही हूँ, और मैंने अभी एक खाद तैयार कर चुकी हूँ, तो वो मैं दिखाऊंगी एक स्लॉट, और बाकी की जो दो स्लॉट मैंने लगा दिए हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी, और जो तीसरा स्लॉट मैं अभी लगा रही हूँ वो भी आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए फिर इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जो मैं कंपोस्टिंग करती हूँ ना, उसका फाइनल रिजल्ट होता कैसा है। तो ये देखिए, 4.5 महीने पहले मैंने इसे तैयार किया था, और अब ये कम्प्लीटली डिकम्पोज होकर इस तरह से कंपोस्ट बन चुका है। तो ये किचन के कचरे से बनाया गया खाद है, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन खाद बन के तैयार हुआ है। इसमें ज़्यादा मात्रा में मैंने मटर के छिलके डाले थे, क्योंकि सर्दियों में मटर बहुत ज़्यादा आता है। इसी के संग भाजियाँ थी, प्याज लहसुन के छिलके, फलों के छिलके थे, और किचन से निकली हुई चाय पत्ती थी। तो उन सभी को 4.5 महीने में देख लीजिए आप, इस तरह से डिकम्पोज होने में समय लगा, और फाइनली रिज़ल्ट मुझे इतना बेहतरीन मिला है, आप देख सकते हैं आपके सामने हैं। तो वीडियोस तो मैंने काफ़ी सारे किए हैं कि कंपोस्टिंग कैसे की जाती है, कंपोस्ट कैसे बनाएं, पर रिज़ल्ट आउटपुट जो होता है ना वो नहीं दिखा पा रही थी, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि मैं एक जगह नहीं रह पाती हूँ दोस्तों, इसी वजह से। पर आज मौका था तो मैंने सोचा चलिए आपके संग शेयर कर लेती हूँ। तो चलिए यहाँ दिखाती हूँ आपको। अब जो प्लास्टिक बैग्स में मैं कंपोस्ट तैयार कर रही हूँ, तो ये वाला बैग मैंने आज से 1.5 महीने पहले लगा दिया था, और धीरे धीरे करके इसमें कचरा इकट्ठा कर रही थी, और जब इकट्ठा हो गया तो फिर इस तरह से इसको कंपोस्ट बिन के तरह यूज़ किया है मैंने। और ये छोटा वाला पैकेट जो है अभी 1 हफ्ते पहले ही मैंने तैयार किया है। तो इस तरह से भी आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस मटके में तीसरा स्लॉट लगा रहे हैं, तो सबसे नीचे मैंने यही खाद की लेयर बनाई है। वैसे तो पत्तों की खाद की भी बनाती हूँ मैं, ले आती हूँ बाहर से, पर क्या है कि अभी लॉकडाउन है ना, तो घर में जो भी है उसी से खाद बनाएंगे हम। तो यहाँ पर बाकी का किचन का जो भी कचरा आपके किचन से निकलता है वो डालें, बस पका खाना ना डालें, क्योंकि वो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। तो इस तरह से सारा कचरा इसमें भर दें, फिर एक मिट्टी की लेयर बना दें, या इसी खाद की लेयर में बना रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास मिट्टी की भी थोड़ी सी कमी है और गमलों की भी कमी है, तो इसी की मैंने फिर से लेयर बना दी। और ये जो है मेरा फाइनल लेयर नहीं है। फाइनल लेयर किस तरह से होती है अगर आप देखना चाहते हैं, तो कंपोस्टिंग पर मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनके लिंक दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। ये जस्ट एक शेयरिंग कर रही थी मैं आज की, जितना भी मेरे पास कचरा है वो मैंने इस तरह से लगा के रख दिया है, और बाकी का जो कचरा होगा वो मैं अब इसके ऊपर डालती रहूँगी। तो ये तरीका है आसान कंपोस्टिंग करने का। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से मैंने कंपोस्ट जो है प्लास्टिक बैग्स में मैं तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही मटका है जिसमें मैं कंपोस्ट बनाती हूँ, तो वो भी फुल था, तो जो कचरा निकल रहा था वो इकट्ठा करते करते काफी हो गया था, तो इसीलिए मैंने उनको प्लास्टिक बैग्स में डिकम्पोज होने के लिए रख दिया है। और अब ये जो तीसरा स्लॉट आपके सामने अभी लगाया है, तो ये कम्प्लीट नहीं है अभी, और जो भी कचरा निकलेगा उसको मैं डालती जाऊंगी धीरे धीरे करके, और जब ये पूरा मटका फुल हो जाएगा ना, देन मैं इसके ऊपर एक लेयर बनाऊंगी मिट्टी की, और ये फाइनल तब हो जाएगा डन, मेरा नेक्स्ट स्लॉट रेडी हो जाएगा, मतलब आने वाले 3 महीने में। मैं जो है ना अपने गार्डन के जो पॉट्स है ना, गमले, उनमें भी कंपोस्टिंग करती हूँ, तो अभी भी मेरे गार्डन के जो खाली गमले हैं उनमें कंपोस्टिंग चल रही है, मटके में कंपोस्टिंग चल रही है, एंड प्लास्टिक बैग्स में कंपोस्टिंग चल रही है। तो ऑल ओवर जितनी भी जगहें हैं जहाँ पे मैं कर सकती हूँ पॉसिबल, वो सब कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में रखेंगे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।